अजन्य है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव यूपी और मैं हूं आपके साथ जयपाल। पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है और मिशन 2021 अपने समाप पर है। हर पंचायत में प्रत्याशी अपने किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन कौन है वो प्रत्याशी जो जनता के दिलों पर राज करने वाला है, यही जानने हम निकले हैं। और आज पहुंचे हैं परमांदापुर गांव में और ये आरा जिला इंस्पेक्टर का वो गांव है जहां एक क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन चल रहा है। तो मेरे साथ वो नेता भी हैं, वो प्रत्याशी भी हैं जो इस टूर्नामेंट का नेतृत्व कर रहे हैं और युवाओं के साथ स्थानीय खेलों को भी प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं, इनका पहले परिचय जानते हैं, उसके बाद इनके बारे में जानते हैं कि क्यों और कैसे ये चुनावी मैदान में आए हैं। सर, अपना परिचय आप दे दें। जी, मेरा नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश पांडे, मैं ग्राम सभा कोरोना का रहने वाला हूँ। किस सेक्टर से और किस पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं ये जिला पंचायत सेक्टर 3 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या आपका मुद्दा है और चुनाव में आप क्यों आए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी और बिजनेस की तरफ भाग रहे हैं, उसमें आप राजनीति की तरफ क्यों आ गए? जी देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो राजनीति ही एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से आप सबका साथ और सबका विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। नौकरी में जाएंगे तो आप सिर्फ स्वतः के बारे में सोच पाएंगे, बहुत से आपके पास ऑप्शन नहीं बचेंगे। राजनीति अगर आपके अंदर दिल में समाज सेवा है तो कहीं ना कहीं जो हमारी देश को प्रतिनिधित्व राजनीति ही करती है, तो उस विधा में आपको आना ही पड़ेगा। गांव की राजनीति कितनी टफ है? क्योंकि लोग कहते हैं कि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स तो हो जाती है, गांव की पॉलिटिक्स नहीं हो पाती, तो गांव वाले से थोड़ा जुड़ना पड़ता है, वो आपका जुड़ाव कैसा है? देखिए, पहले के पार्टियों ने इस चुनाव को केवल और केवल जाति आधारित बना दिया था और जाति आधारित की परिकल्पना, ये जो गुड़ व्यू रचना बनी थी उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही तोड़ दिया और एक नारा दिया सबका साथ और सबका विकास। उस सबका साथ सबका विकास नारा को मैं लेकर के मैं जनता के बीच में आया हूँ। जातिगत पूरी जो ढांचा बना दिया है राजनीति में, उसको तोड़ के सर्वधर्म सर्व जाति सारे एक मानव का लोके एक आत्ममानववाद, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक टैगलाइन था, उसको उसको चरितार्थ करने के लिए मैं राजनीति में आया। लेकिन ये मुश्किल काम लग रहा है, जातियों में लोग आज भी बटे हुए हैं और उन जातियों को साधने में, उन समीकरणों को ध्वस्त करने में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा होगा, कौन सा ऐसा नारा होगा या काम होगा जो सबको साध लेगा? देखिए, जब आप इस तरह के आयोजन कहीं पे होते हैं, उस आयोजन में खिलाड़ी होता है, जाति नहीं होती है। जब इस तरह के प्लेटफार्म हमारे युवाओं को मिलता है तो निश्चित रूप से ऐसे ही खेल के माध्यम से जाति की जो हमारे पुराने राजनेताओं ने दीवार खड़ी कर दी, उसको तोड़ दिया जाता है। तो गांव में आपको लगता है कि आप पूरी तरह फिट हो पाएंगे और ये जाति वाला राजनीति शूट करेगा? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं जगह जगह से युवाओं का प्यार मिला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, लगातार जो सर्वधर्म सारी समाज को लेकर एक चल रहे हैं, उस मुद्दे पर मैं भी चल रहा हूँ, निश्चित रूप से हम युवा हमारे साथ हैं। किन कार्यों को, किन विकास कार्यों को आप हाईलाइट कर रहे हैं और क्या लगता है आपको कि ये काम होना चाहिए इस गांव? जी देखिए, हमारे गांधी जी का एक गांव दर्शन की एक जो परिकल्पना थी, वास्तविकता में जब हमारा गांव सुदृढ़ होगा निश्चित रूप से हमारे समाज का विकास होगा। बहुत से ऐसे कुटीर उद्योग हैं जिसको गाँव में संचालित हो रहे हैं, और इसको अगर आप संचालित करते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक मोर्चे पर गाँव समृद्ध होगा, और गाँव समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। आप जीतने के बाद ऐसा कौन सा काम है जो आप अपनी प्राथमिकता में रखते हैं कि आपको लगता है कि वही काम करना है? ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कुटीर उद्योगों की जो लगभग कड़ी टूट चुकी है, उसका पुनर्स्थापन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन मुहैया कराना और ब्लॉक स्तर पे खेल के ऐसे मंच आयोजन कराना। इस एक स्पोर्ट्स कॉलेज की मांग मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से करूँगा ताकि वो ऐसा संचालित हो और हमारे युवा एक स्वस्थ मन से एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सके। गाँव की शिक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, गाँव की शिक्षा पद्धति, हमारे बच्चों को अभी थोड़ी सी समस्या होती है कि बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो मैंने सेक्टर 3 में देखा एक अभी एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज
की स्थापना ये मेरे मन में है, जनता का आशीर्वाद दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिख के अपने सेक्टर में एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज जरूर खुलवाने के लिए प्रयासरत रहूँगा, ताकि ये शिक्षा करने के लिए हमारे युवाओं को शहर से दूर न जाना पड़े। गांव है तो जाहिर सी बात है किसानों की बात तो होगी, और किसान देश में आंदोलन पर बैठे हैं, उस आंदोलन को लेकर आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल, वो किसान आंदोलन आप उसको नाम न दें, उसमें आपने देखा पूरा 26 जनवरी को जिस तरह से अराजकता का माहौल बना दिया गया था, वो सिद्ध करता है कि वहाँ पे कुछ आतंकवादी बैठे हैं, किसान नहीं बैठे हैं। किसान आपको आपके कैमरे के पीछे मिलेंगे, किसान हमारे बगल में मिलेंगे, किसान आपको इधर बड़े भाई दिखेंगे। यह पूरा क्षेत्र जो सेक्टर 3 है, यह किसानों का गढ़ है। यहाँ से लगभग पूर्वांचल क्या अभी हाल में प्रधानमंत्री जी के सोचे बहरीन में सब्जी का निर्वात हुआ, ये यहीं से जाता है। परवंदापुर हरसोस ये गढ़ है, ये यहीं पे किसानों का गढ़ है। आप यहाँ के किसान देखिए आंदोलन कर रहा है, तो आप उसको किसान आंदोलन न दें। यदि उस आंदोलन का जो कारण कृषि बिल है, तो माननीय कृषि मंत्री भी तो कह रहे हैं कि आप आइए टेबल पर बैठ के बात होगी, क्या आप संसद की बनाए हुए कानून को सड़क पर तोड़ेंगे? यह है किसान आंदोलन, बिल्कुल नहीं, किसानों को बदनाम करने की साजिश है ये। चुनाव में और क्या लगता है कि ये स्थानीय मुद्दे टिके रहेंगे या फिर और भी मुद्दे आ जाएंगे, नेशनल हो जाएगा? जी अब स्थानीय मुद्दे गौण हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। नवयुवक अब केवल राष्ट्र, बेहतर राष्ट्र और बेहतर राष्ट्र के बारे में सोच रहा है, और इसी कड़ी में वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार आगे बढ़ाते हुए दिख रहा है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। जी धन्यवाद। तो ये हमारे साथ परमंदापुर गांव से क्रिकेट टूर्नामेंट में आए एक प्रत्याशी जो सीधे तौर पर जुड़े थे, जिनसे हम बातचीत लगातार कर रहे थे, और अभी हम यहां के कुछ क्षेत्रीय लोगों से भी बात करेंगे कि चुनाव को लेकर इनका क्या ख्याल है और इस तरह के स्थानीय खेलों को ये किस नज़र से देखते हैं। आप अपना नाम बताएं। सुमारू पहलवान। किस गाँव से? परमंदापुर। यहाँ पर जिस तरह का आपको लगता है कि मुद्दा स्थानीय खेलों का है, वो चुनाव में हावी रहेगा या कुछ और मुद्दा? खेलों का ही मुद्दा हावी रहेगा और युवाओं का जो है वो मुद्दा रहेगा। हाँ, युवा कितने प्रभावित हैं, क्या उनका मेन मुद्दा क्या है, खेल ही है कि कुछ और है? नहीं, खेल हो, नौकरी हो, बेरोजगारी हो, कुल बहुत सी हो मुद्दा। बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा उछलेगा या नहीं? उछलेगा। हाँ। तो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में, वो इसको लेकर कितना ज्यादा आपको लगता है कि संवेदनशील है युवाओं की नौकरी और खेलों को लेकर? हमको तो लग रहा है कि 90% रहेंगे ऐसे बेरोजगारी और खेल कूद के बारे में, जहाँ आगे बात नहीं होती है तो उसको बात कराना है, इसलिए कंधा से कंधा मिलाकर चलने की बात है। ठीक है, आप बताएं कुछ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं विजय कुमार पटेल, ग्राम परमंदापुर का मूल निवासी हूं। आपके नज़र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में ज़्यादा आपको लगता है कि ये मुद्दे हावी रहने चाहिए? हमारे यहाँ देखिए संगठन है एक, जो कि अभी पांडे जी ने बताया कि मतलब क्या है कि खेल या ये सब भावना, तो इसमें हम अपने गाँव से ग्राम प्रधान के उम्मीदवार हैं। तो आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश पटेल है। मुद्दा क्या है इस पूरे क्षेत्र का, सेक्टर जो आराजी लाइन सेक्टर है उसमें क्या मुद्दा चल रहा है? देखिए मुद्दा ये है कि हम लोग के आराजी लाइन सेक्टर नंबर 3 में अखिलेश पांडे भैया जी, जो हम लोग के बहुत ही होनहार प्रत्याशी हैं, हम लोग के बीच में ये आए हैं प्रत्याशी के रूप में। हम लोग युवाओं की तरफ से इनको सहयोग मिल सकता है? पूरी तरह से सहयोग, एकदम पूरी तरह से सभी लोग हम लोग एकदम तत्पर है जी जान से इनके प्रति, क्योंकि जिला सेक्टर नंबर 3 से जो अराजी लाइन के जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो जीत तो गए, लेकिन यहाँ पे कभी एक बार भी दिखाई नहीं दिए, कभी नहीं दिखाई दिए। लेकिन हम लोग अखिलेश पांडे जी कितने बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ में खेलते हैं, हमारे साथ में लड़के एक तरह जैसे हम लोग घूमते हैं ऐसे साथ में मतलब दोस्ती यारी एक साथ, सब एक साथ में है। ठीक, बहुत 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 अच्छे हैं वो। तो ये परमंदापुर गांव से सीधी रिपोर्ट आप देख रहे थे। राजनीति का जो पड़ाव है वो अपने चरम पर है, और मिशन 2021 के लिए यूपी से पंचायत चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसी मुद्दे पर लगातार हम आपको एक एक पंचायत से, प्रत्याशियों से रूबरू कराएंगे, और उस पंचायत के मुद्दे से भी आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें, देखते रहिए लाइव यूपी। प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है,
विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है,